डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। इंडिया गेट का लुटियंस इलाका हो या फिर सराय काले खां या हो सिग्नेचर ब्रिज, राहत कहीं भी नहीं है। यानी कि देश की राजधानी में अब सांस लेना मुश्किल हो गया है और दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली वाले सरकारों से शिकायत कर रहे हैं कि हुजूर आंखों में जलन हो रही है और सांस फूलने लगी है, किसी तरह इस समस्या का समाधान करो। एक तरफ जहां प्रदूषण दम फुला रही है तो वहीं कोरोना है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कोविड 19 का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने सर्द मौसम, बढ़ते प्रदूषण लेवल और त्योहारों की भीड़भाड़ को कोरोना के लिए किलर कॉम्बिनेशन करार दिया है। वो मानते हैं कि आने वाले समय में इस महामारी को फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती होगी और ये तब जब इससे बचाव का एकमात्र उपाय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतना है। राजधानी में अगर हम कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6842 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतने ही वक्त में राजधानी में 51 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। नए मामलों को मिलाकर दिल्ली में कोरोना के कुल 4,09,000 केस हो गए हैं। अगर दिल्ली के प्रदूषण की बात करें तो सुबह से ही AQI खतरनाक स्तर पर है। ज्यादातर इलाकों में AQI 500 के पार चला गया है। राजधानी के ज्यादातर इलाके कत्थई रंग में रंग चुके हैं, जो कि हवा में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दिखा रहा है। अभी जब दिल्ली में प्रदूषण का ये हाल है तो दिवाली के बाद क्या होगा? आपको बता दें कि दिल्ली पर पड़ी मुसीबतों की ये दोहरी मार से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई तरह के अभियान भी चलाए हैं। खतरे को देखते हुए दिल्ली में पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए राजधानी में बेडों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और सरकार द्वारा सार्वजनिक जगहों पर भी फ्री कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।